डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली ऑडियो में मैंने आपको 10th क्लास की हिंदी की पाठ नंबर 9 की कहानी दो कलाकार शुरू करवाई थी, जिसमें हमने दो सहेलियों चित्रा और अरुणा के बारे में पढ़ा था। चित्रा एक चित्रकार है और अरुणा जो है वो एक समाज सेविका है। इसकी लेखिका मन्नु भंडारी ने दोनों को ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही निपुण बताया है। चित्रा किसी भी दृश्य को देखते ही उसे अपने चित्र में उतार लेती है, लेकिन अरुणा कागज़ पर लकीरें खींचने के बजाय किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बनाना सबसे बड़ा काम समझती है, जो उसे मनुष्य की सेवा लगती है। आगे हम उस कहानी का अगला भाग पढ़ते हैं। बहुत ही स्नेह से अरुणा की पीठ थपथपाते हुए चित्रा ने कहा, जो होना था सो हो गया, अब भूखे रहने से क्या होगा, थोड़ा बहुत खा ले। डियर स्टूडेंट्स, ये बातें चित्रा अरुणा को इसलिए कह रही थी क्योंकि फुलिया दाई का बेटा बहुत ही बीमार था, जो मैंने पिछली ऑडियो में बताया था। जब अरुणा उसके घर जाती है, उसकी देखभाल करती है, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाती है, तो उसके गुजरने के कारण, उसके मरने के कारण अरुणा बहुत ही दुखी हो जाती है, जिसके कारण वो रात को खाना भी नहीं खाती है। तो ये सारी जो संवाद है जो चित्रा जो है वो अरुणा को कहती है। नहीं चित्रा, अब रहने दे, बस तू लालटेन बुझा दे। उसके बाद 2-3 दिन तक अरुणा बहुत ही उदास रही, लेकिन समय के साथ साथ वह दुख भी भर जाता रहा और सब काम ज्यों का तो, यानी कि जैसे का था, वैसे ही चलने लगा। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसका इंतज़ार करती रही, पर पता नहीं कहाँ कहाँ अटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहा करूँ। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है, ले मैं आ गई, चल बना चाय, तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। ये शब्द जो है चित्रा जो है अरुणा को कहती है। स्टूडेंट्स, मनोज इसमें एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा पात्र है जो कि अरुणा की ज़िंदगी में बहुत ही मायने रखता है। मनोज भी अरुणा की तरह ही समाज सेवा है करता है और उसकी विचारधारा भी अरुणा की तरह ही है। अरुणा उसे अपनी ज़िंदगी में उसका अपना हम सफ़र बनाना चाहती है। कहा, तूने तो पढ़ ही ली होगी, फाड़कर चल हट, तुम्हारी चिट्ठियों में रहता ही क्या है जो कोई पढ़े, बड़े बड़े आदर्श की बातें, मानो खत ना हुआ भाषण हुआ। अच्छा अच्छा, तू लिखा करना रस भरी चिट्ठियाँ, हमें तो वह सब आता नहीं। वह लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चित्रा बोली, आज पिताजी का पत्र आया है, लिखा है जैसे ही जहाँ की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ मुझे तो ये सारी कला इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे। स्टूडेंट्स, पिछली ऑडियो में मैंने बताया था कि चित्रा जो है चित्रकारी के लिए अपनी पढ़ाई ख़त्म करके यहाँ पर विदेश जाना चाहती है, ताकि वो आगे इस चित्रकारी में और अधिक अच्छा पढ़ सके। इसीलिए उसके पिताजी ने उसे चिट्ठी लिखी थी कि यहाँ की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो विदेश जाकर आगे पढ़ सकती है। लेकिन अरुणा को ये चित्रकारी उसे बेमतलब लगती है, क्योंकि उसके अनुसार तो ज़िंदगी किसी की बना देना या किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में रंग भर देना सबसे बड़ी कला है। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? अरे इस लगन को देखकर ही तो गुरुजी कहते हैं कि वह समय दूर नहीं जब हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी शोहरत, यानी कि मेरी प्रसिद्धि गूंज उठेगी। अमृता शेरगिल की तरह मेरा भी नाम गूंज उठेगा, बस यही तमन्ना है। स्टूडेंट्स, अमृता शेरगिल हिंदी की एक बहुत बड़ी लेखिका है। कागज़ पर इन बेजान चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? वह काम तो तेरे मनोज के लिए छोड़ रख दिया है। अब तुम दोनों ब्याह कर लो और फिर जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी और फिर बोली, अच्छा ये बता कि तेरे ये सब करने से ही क्या हो जाएगा? तूने अपनी अनोखी पाठशाला में 10-20 बच्चे पढ़ा दिए तो क्या निरक्षरता भाव अनपढ़ता मिट जाएगी? या झोंपड़ी में कुछ औरतों को हुनर सिखा कर कुछ कमाने लायक बना दिया तो उससे गरीबी मिट जाएगी? अरे ये सब काम एक किए नहीं होते, क्योंकि चित्रा के अनुसार एक के समाज सेवा करने से कुछ नहीं होता, अगर जब तक हम बहुत सारे लोग इकट्ठा कुछ करें ना। जब तक समाज का सारा ढांचा नहीं बदलता तब तक कुछ होने का नहीं, और ढांचा ही बदल गया तो तेरे मेरे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब अपने आप ही हो जाएगा। 3 दिन से तेज़ वर्षा हो रही थी, रोज़ अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी।
बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। आज शाम को एक स्वयंसेवकों का दल जा रहा है, स्वयंसेवक जो दूसरों की सहायता करते हैं, खुद अपनी सहायता करके दूसरों की भी सहायता करते हैं। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। शाम को अरुणा चली गई, 15 मिनट बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो गई, खस्ता यानी कि बहुत ही बीमार लग रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। शाम को चित्रा गुरुदेव के पास से लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुश हुई। अच्छा हुआ तू लौट आई, मैं तो सोच रही थी कहीं तू बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती ही रह जाए और मैं जाने से पहले तुझसे मिल ना पाऊँ। स्टूडेंट्स, चित्रा जो है अपनी पढ़ाई ख़त्म करके विदेश जाकर आगे पढ़ने जा रही है, जिसके लिए अब वो हॉस्टल से जा रही है। क्यों, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं जा रही हूँ, जाऊँगी और बस एक सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुँच जाऊँगी। उल्लास यानी कि खुशी के साथ उसके स्वर में छलका पड़ रहा था। सच कह रही है तू चली जाएगी चित्रा, ये 6 साल से तेरे साथ रहते रहते ये बात ही तो मैं भूल गई कि कभी हमको अलग ही होना पड़ेगा। तू चले जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? ये शब्द अरुणा जो है वो चित्रा को कह रही है। अरे 2 महीने बाद शादी कर लेगी, फिर याद भी ना रहेगा कि कौन कमबख्त थी चित्रा। बड़ी लालसा थी तेरी शादी में आने की, पर अब तो आ नहीं सकूंगी। अच्छी तरह शादी करना, दोनों मिलकर सारे समाज का और सारे संसार का कल्याण करना। आज चित्रा को जाना था हॉस्टल से, उसे बड़ी शानदार विदाई मिली थी। विदाई विद्यार्थियों को कहा जाता है कि जब हम किसी संस्थान से या किसी शहर से जाते हैं या किसी हम कोई नौकरी छोड़ते हैं तो उसके बाद जो हमें एक पार्टी दी जाती है जिसमें हमारे अच्छाइयों का उल्लेख किया जाता है, उसे हम विदाई पार्टी भी कहते हैं। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई, बस गुरुजी के घर की तरफ चल पड़ी। 3 बज गए, वह लौटी नहीं। अरुणा उसका सारा काम ख़त्म करके उसकी राह देख रही थी। और भी कई लड़कियां वहां जमा थी, कुछ बार बार आकर पूछ जाती थी चित्रा लौटी या नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली है। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी हड़बड़ाती सी चित्रा कमरे में आई, बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा ही हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा, सुने तो, 2-3 लड़कियां एक साथ बोली। गर्ग की दुकान के सामने पेड़ के नीचे अक्सर की भिखारी बैठी रहा करती थी। लौटी तो देखा कि वह मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से, सूखा यानी कि उसका कमज़ोर शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उसके सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और जल्दी ही उसे कागज़ पर उतार लिया। बस इतनी देर हो गई, चर्चा इस पर चल पड़ी, कैसे मर गई, कल तो उसे देखा था। किसी ने कहा, अरे जिंदगी का क्या भरोसा, क्या भरोसा, मौत कहकर थोड़ा आती है, आदि आदि। बस इसी सारी चर्चा में अरुणा कब खिसक गई कोई जान नहीं पाया। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने को स्टेशन आई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह इस विदाई की वेला में उससे मिलने ज़रूर आएगी। 5 भी बज गए, रेल भी चल पड़ी। अनेक रुमालों ने हिलकर चित्रा को विदाई दी, पर उसकी आंसू भरी आंखें किसी और को ही ढूंढ रही थी। पर अरुणा ना आई, सो ना आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। विदेशों में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखमंगी और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की बखान कई अखबारों में हुए। ये उस चित्र का के बारे में कह रहे हैं जो चित्रा ने उस भिखारिन जो पेड़ के नीचे मर गई थी और उसके बच्चों का चित्र बनाया था। नाम और शोहरत यानी कि प्रसिद्धि पाकर चित्रा अपने जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले साल तो अरुणा और उसके बीच चिट्ठियों का लगातार आना जाना लगा रहा, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल थे तो उसे ये भी नहीं मालूम कि वह कहाँ है। नई कल्पनाएं और नए नए विचार उसे चित्र बनाने की प्रेरणा देते और वह उन्हीं में खोई रहती। उसके चित्रों की प्रदर्शनियां होती, अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र पहला इनाम पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता वही हैरान रह जाता। दुख और गरीबी जैसे सामने आकर खड़ी थी। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर नेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस कामयाबी पर बहुत खुश थे। समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कहाँ कहाँ उठाएं बिठाएं। दिल्ली में उसके चित्रों की शानदार प्रदर्शनी हुई। उस प्रदर्शनी को देखने के लिए
जनता उमर पड़ी थी। भूरी 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 भाव बहुत बहुत सारी प्रशंसा हो रही थी और चित्रा को लग रहा था जैसे उसके सपने सच हो गए। भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रोनी कहकर वह भीड़ को भूल कर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? रूनी, आपको मैंने पिछले बार भी बताया था कि रूनी अरुणा का ही छोटा नाम है जिसे वो चित्रा बुलवाती है। अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 की होगी तो लड़की की 8। मेरे बच्चे हैं किसके? ये तुम्हारी चित्रा मासी है, नमस्ते करो अपनी मासी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़ी अदा से नमस्ते किया पर चित्रा हैरान होकर कभी उनका कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। सारी बात का कुछ तुक नहीं मिल रहा पा रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मासी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। प्यार का जरा सा सहारा पाकर लड़की चित्रा की गोदी में चाह चढ़ी। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मासी बहुत अच्छी तस्वीर बनाती हैं, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। सच, आश्चर्य से बच्ची बोल पड़ी, तब तो मासी तुम ज़रूर चित्रकला से पहला नंबर लाती होगी। मैं भी पहला नंबर लाती हूँ, तुम हमारे घर आओगी तो अपनी कापी दिखाऊंगी। बच्ची के स्वर में मुकाबले की भावना थी। चित्रा और अरुणा इस बात पर हंस पड़ी। अब आप हमें सब तस्वीरें दिखाइए मासी, समझा समझा कर, बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा समझाती तो क्या, यूं ही तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वह उसी भिखारीन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि भाव मशहूर किया है। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मासी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने कहा, इनकी माँ मर गई, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन यानी कि अपने बचपने की बात छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मासी? बालिका ने पूछा। अरे सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर। हाय राम, इनकी माँ मर गई तो इन बच्चों का क्या हुआ? बालक ने पूछा। मासी हमें इसे ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और देर देखना बच्ची के लिए भारी पड़ रहा था। तभी अरुणा के पति आ पहुँचे, परिचय हुआ। साधारण बातचीत के बाद अरुणा ने दोनों बच्चों को उसके हवाले करते हुए कहा, आप ज़रा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा ना होते हुए पिता के साथ विदा हुए। चित्रा ने को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें एकटक देखती रही, फिर पूछा, सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताओ ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। एक पल रुककर अरुणा ने कहा, बता दूँ? और फिर उस भिखारीन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर अंगुली रखकर बोली, ये ही वो दोनों बच्चे हैं क्या? हैरानी से चित्रा की आंखें फैली की फैली रह गई, यानी कि वो हैरान हो गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी में मनु भंडारी ने दो लड़कियां बताई हैं, लेकिन दोनों के क्षेत्र अलग अलग बताए हैं। लेकिन अरुणा को उन्होंने समाज सेविका के रूप में ऐसा बताया है कि जो अपनी अपने ज़िंदगी के रंगों से लोगों की ज़िंदगी को भरती है, जैसे उस भिखारीन के दोनों बच्चों को वो पालती पोसती है अपने बच्चों की तरह। स्टूडेंट्स, इस कहानी का आज यहीं पर अंत होता है और इसके अंत में ही मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपने इसकी कहानी को सुनकर अच्छी तरह से कॉपीज पे लिखने हैं। पहला प्रश्न है, अरुणा मनोज को क्यों पसंद करती थी? दूसरा, चित्रा उसका किसका चित्र बनाती है? तीसरा प्रश्न है, अरुणा चित्रा के पास हॉस्टल क्यों नहीं पहुंच पाती? नंबर चार है, अरुणा भिखारीन के बच्चों के साथ क्या करती है? पांचवा प्रश्न, चित्रा विदेश क्यों जाती है और किस में प्रसिद्धि प्राप्त करती है? छठा, चित्रा और अरुणा कहाँ मिलती हैं? और सातवां प्रश्न है, अरुणा के साथ कौन से दो बच्चे थे? जो सेकंड नंबर है उसमें शब्दों के अर्थ लिखने हैं जो मैंने साथ साथ में आपको बताए हैं। पहला है विदाई, दूसरा रुचि और आश्चर्यचकित। इसको आपने साफ साफ कॉपीज पे लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।